साथ क्या हुआ, सारी कहानी रेहान मलिक की जुबानी। क्या हुआ जी एयरपोर्ट पर? जी मैं यहाँ से गया हूँ सियालकोट एयरपोर्ट पे। जब मेरा सामान पास हुआ है तो मैं आगे जाने लगा हूँ, तो आगे कस्टम ऑफिसर बैठे हुए थे, मोहम्मद अयूब नामी शख्स थे। उन्होंने मुझे पंजाबी में, जब गुजरा पंजाबी में आवाज़ दी है कि बात सुने मेरी। जब मैं गया हूँ उनके पास तो उन्होंने मुझे पूछा कहाँ की फ़्लाइट है। मैंने कहा जी मैं सियालकोट से बहरीन, बहरीन से मैं रियाज जा रहा हूँ। तो कहते हैं आपके पास करेंसी कितनी है? मैंने कहा जी मेरे पास पाकिस्तानी 20,000 रुपीज़ हैं। मुझे कहने लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो इसको तो कम करना पड़ेगा। तो जब मैंने उन्हें पूछा था कि कम क्या मतलब, तो कहते जी भाई वो आप ऐसा करें कि भाई लड़का उससे जो है ना कम कर लें, मतलब अपने लहजे में हल्की आवाज़ में, ताकि किसी को समझ ना लगे। तो जब मैंने उनसे इस चीज़ का पूछा कि मैंने कहा ये क्या सीन चक्कर है आप के कम कर लें, तो कहते ऐसे तो आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको कम तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये बाहर लड़का ये क्या सीन। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी फ़्लाइट थी सियालकोट से बहरीन, बहरीन से सऊदीया। तो मैं जब सियालकोट एयरपोर्ट पे गया हूँ तो वहाँ पे जब मैंने अपने बैग मशीन से निकाल के आगे जा रहा था तो आगे मुझे मिल गए कस्टम ऑफिसर मोहम्मद अयूब। उन्होंने मुझे ना पंजाबी में आवाज़ दी कि ओए गल सुन। मैं कहा जी भाई जी। कहता है किन्नी करंसी है तेरे को? मैं कह जी मेरे को पाकिस्तानी 20,000 रुपया है। तो यह तो बहुत ज़्यादा करंसी है, लिहाजा अलो नहीं है। तो इन्हों नहीं पता कि एयरपोर्ट के उत्ते इन्नी करंसी नहीं लैके जा सकते। मैं क्या सर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, तो लिहाजा इन्नी का अमाउंट मैं लैके जाना कि मेरी फैमिली उधरों ना आना हों, तो मैं ना एयरपोर्ट से मेरा स्टे भी तो मैं जरूरत पै सकती है। कहता नहीं जी ए अलो नहीं है, तुम इन काम करो एडा ना बार मुंडे को कर लो तो यस करा देना, वरना ही तुम्हें नहीं जान देना। जो मैं इन गल सुनी तो मैं उन्होंने कहा जी क्यों यस करा दीए, ऐ को मतलब ये कि यस कराने वाली गल है, मेरी फ्लैट मेरा सब कुछ ओके वे, तो तुम मतलब किस तरीके। उन्हें कहा जी बस नहीं इन्नी करंसी थोड़ी जान ही नहीं देनी। फिर तो मैं क्या जी देखो मैं कानून जानना। उन्हें कहा जी की तू कानून जानना पंजाबी के, मेरे ना तू करके गल की तू कानून जानना, तू सू कानून सिखाएगा। असं तो उन्होंने पता कि वर्दी के बैठे हैं, सानू पता जो कानून है 3,000 रुपये लैके जा सकना। इतू बाद 3,000 रुपये बंद ने की करना? मैं उन्होंने कहा जी मैं क्या सर जान दो, 3,000 ना कुछ नहीं बनता, तो लिहाजा ना बहस करो। उस बंदे दे नाल मेरी बहस हो गई। वो कहता है कि तू जिहड़ा ना मेरे नाल बदतमीजी कर रहा। मैं कहा जी मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं तुहानूं रिस्पैक्ट कर रहा, तुहाडी यूनीफॉर्म की रिस्पैक्ट कर रहा। उस बंदे ने मैनूं कहा जी तू ना कर मेरे यूनीफॉर्म की रिस्पैक्ट। जो उन्हें इन्नी गल की तो मैं कहा मेरी गल सुनो फिर, यह तो बदमाशी हुई ना। उन्हें कहा जी हाँ जी बदमाशी जो करना कर लो। मैं कहा फिर कितने करना? उन्होंने कहा जी आ जाओ संभड़े वाल का। मैं उत्थे आ गया, मैं बाहर चला गया। मैं कहा जी आ जाओ बाहर आ जाओ, जो तुम अपने परसनल मैटर कर लग पे हो ना, बदमाशी गुंडागर्दी कर लग पे हो तो तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि अंदर असी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। लेकिन बाहर पब्लिक की अथॉरिटी कि जो थोड़े ना कोई बदतमीजी या थोड़ी इज्जत हमला करे तो तुम उन्हें निबल सकते हो। लिहाजा इस गल को मैं इग्नोर किया। फिर उत्थे जज साहब ऑफिसर ने आए, उन्हें आके मैंने कहा जी चलो बई जी कोई गल नहीं हो जाता। मैं अंदर गया, जो मैं फिर बैग चेक करा लगा तो मैनू आंदा जी चलो जी इन अंदर खड़ो, ए कपड़े लो आ के उत्तू थली तलाशी लो। लिहाजा फिर मैंने इस चीज़ बुरी लगी। मैं कहा जी नहीं मैं काम नहीं कर सकता, मैं बाहर गया। फिर मैं तीसरी बारी गया, मेरे भाई ने मैंने कहा कि यार थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया, चल ऑफिसर ने रिस्पैक्ट कर लिया मैंने। मैं जो अंदर गया उन्हें मैंने अंदर वाड़िया उत्थे, उस तो बाद उन्हें जनाब मैंने कहा शूज़ लाओ मैं लाए, उन्हें मैंने कहा सॉक्स लाओ मैं लाए, उन्हें मैंने कहा शर्ट लाओ मैं शर्ट भी लाती। उन्हें मैंने सारा चैक करके मेरा सारी चैकिंग करके तो मैनू आंदा चल भाई पेंट लाओ। मैं कहा जी ए पेंट मैं क्यों लावा, मेरे खिलाफ मैं कोई ड्रग्स डीलर हाँ या को मेरे खिलाफ़ कोई कंप्लेन आई दी है? लिहाजा वो आंदा है कि तेरे को दो ही चीज़ा ने, या तो तू मेरे सामने कपड़े ला के चेक कराओ अगू पिछू अपनी चेक तलाशी दे, या फिर तू मैं जेड़ा कल मेरे ना वाकया होया। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भैन भरा दे नाल होए, क्योंकि अक्सर लोग फस्ट टाइम जाते हैं सियालकोट दे विच कि तू भी तुम्हें पता साढ़े पंजाब दे विच देहात बहुत ज़्यादा ने। कुछ लोग फस्ट टाइम जाते हैं उन्होंने अगे फड़ लेंगे, थ्रेड करते हैं तेरा वीजा एंड तेन एंड कर देना, अगर तेन जान नहीं देना मजबूरी के तहत फिर उन्होंने जोड़ा उन्होंने तावन करना पैदा। लिहाजा मैं तुम्हें एक गल दस दें, जो थोड़ी टिकट ओके हो जाती है वीज़ा शीज़ा ओके हो जाता एजेंसी के विचों, अगे थोड़ा कोई प्रोसेस नहीं होता एयरपोर्ट से, कोई प्रोसेस नहीं, बस तो स्टैंप लवानी है चैकिंग करवानी है थोड़े अगर काउंटर से होनी है। जेडे बैठे होंगे अगर समान चैक करने वाले उन्होंने थोड़ा फैसला नहीं करना होंगे, कंप्यूटर ने थोड़ा फैसला करना होंगे। तो लिहाजा अपनी सारी चैकिंग ओके करके अगे जाए, जो थोड़े पूछण तो तुम उन्होंने ला पूछो कि बई किस तरह तुम कह रहे हो कि साढ़ा जल्दी पूरी वो डिटेल लैके, तो फिर उन्होंने
जे वो थोड़े ना कोई पैसों का दावा करते हैं तो तुम उन्होंने अगू कहो कि जी किस चीज़ का पूरी वो जो बहस की जाए लिहाजा तो बाकी कोई किसी दलों से ना आए ना ही किसी को डरिया करो खुदा दे बंदे असं अल्लाह की जात को कि अल्लाह की जात तो अलावा किसी को नहीं डरते सानू खुद खौफ है तो सिर्फ खुदा का असं अपने सिर पर चलने हैं सानू दुनिया का कोई खौफ नहीं असं अलहमदुल्ला अच्छे इंसान हाँ असं करप्ट इंसान नहीं जोड़ा असं डरीए करप्ट डरते वो लोग ने जिन्होंने कभी दो नंबरी की हुई है कुछ करप्शन या कोई एंड का काम या कोई दो नंबर धंधा अलहमदुल्ला असं जो भी करने हक हलाल का करने अपना खाने ना तो साड़ी को बदमाशी है ना कोई को गलबात लेकिन इंशाला मोहम्मद अयूब साहब थोड़ा जोड़ा ना असी अदालत के बुलावे थोड़ा जोड़ा ना पूरी उ सारी इनकुआरी लगेगी तो इंशाला जो जो तुम्हारा ना उ जिदे जिदे ना किया सब का इंसाफ होएगा तो इंशाला सब इंसाफ मिलेगा तुम वो अफसरान जोड़े करप्ट अफसरान ने ना उन्होंने अल्लाह की जात कदे नहीं बख्शेगी क्योंकि इन्हें बड़े लोगों का नुकसान किया बड़े लोगों का फ्यूचर खराब किए हैं पता नहीं किनू किनू तुसा जिहड़ा ने जमीर किया होना लेकिन हूँ तुसा जिहड़ा ने हाथ पाया ना अल्लाह की मेहरबानी नाल है वो लोग नहीं कि जिहड़े तुहाडियां धमकियां तों तुहाडी वर्दी को डर जाए करप्ट बंदे को असीं नहीं डरते तो बाकी रही अगे भी दस्सिया ईमानदार जिहड़े ऑफिसर ने ना उन्होंने हाथ चूमन ते दिल करदा उन्होंने चेहरे ते नूर हुंदा उन्होंने एक परसनैलिटी हुंदी अथॉरिटी हुंदी है तो जो करप्ट ने करप्ट ही रहते हैं तो इंशाला करप्ट ना जोड़ा ना वो बुरा ही होंगे जिन्ना मर्जी जोर ला लो बाकी अल्लाह पाक सबू सलामत रखे खुश रहो तो जोड़े लोग समझते हैं साढ़े ना चंगा होया तो जो जो भी समझ ठीक है कल अगर थोड़ी फैमिली जाएगी तो अगर थोड़े ना किसी ना इस तरह होएगा ना तो फिर मैं दस्यो थोड़ी की फीलिंग है असं तो हर किसी की खैर फवाह ही करने बाकी अगर लोग साढ़े तो नफरत करते हैं तो वह रीज़न सानू नहीं पता जोड़े प्यार करते हैं वह रीज़न सानू यह पता है कि असं सब ने मुहब्बत करने जेड़े नफरत करते हैं वह बिला वजह ही करते हैं तो अल्लाह पाक सब मुहब्बत करने की भी तौफीक अता करे तो अल्लाह पाक सब बना के रखे खुश रहो आबाद रहो तो जींदे रहो मोहम्मद अयूब साहब की डिमांड जोड़ा ना मेरी समझ नहीं सी आई उन्होंने मैंने कहा जी कपड़े लाओ मैं थोड़ी चैकिंग करना चाहता कपड़े मैं किस मौजूद लावा किस हैसियत के नाल कि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन सी या मैं कोई ड्रग्स डीलर हाँ जेडे मैं मतलब इस तरह की हरकत करा देखो मैं एक समझदार बंदा हाँ मैं इन्हों मैं जरा इस चीज़ को फड़ लिया या इन्होंने मैं गलबात करके मैं बच गया कुछ ऐसे मासूम लोग ने जो पहली दफ़ा जाते हैं तो इन्होंने जोड़ा ना कंप्रोमाइज़ कर लेंगे इन्होंने जनाब दे दुआ के काम करा के अपनी मजबूरी के तहत चुप करके जलील होकर चले जाते हैं लेकिन मोहम्मद अयूब साहब होर लोग ने जिन्होंने तुम अपनी वर्दी के उत्ते जनाब डरा धमका लेंगे हो असी वो लोग नहीं असं अल्लाह की जात तो सिवा किसी को नहीं डरते लेकिन यह कि असी दूसरों का भी जोड़ा ना इंसाफ करवाएंगे इंशाला तुहाडे खिलाफ फुल कानूनी कार्रवाई होएगी तो जिस महकमे के पाकिस्तान के जिने अदारे ने जिथे जिथे थोड़े खिलाफ मैं जाना पाया मैं जावगा तो इंशाला मैं इंसाफ लवागा तो दूसरे जो लोग ने जिन्होंने तुम्हें ज्यादा की है या करते हो पे अगू कर सोच रहे हो इंशाला उन्हों का भी जोड़ा ना फैसला आएगा मेरे सामने एक बंदा उ गुजरात का खड़ा सी उसकी फैमिली दी ने पूरी फ्लाइट कैंसल इस बंदे ने करवाई सी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जोड़ा ना वो सिर के उत्ते बदमाशी करके वह बंदा बहर बेचारा तरले कर रहा है खैर वह तो साड़ा मैटर तो नहीं लेकिन अभी उन्होंने भी इंसाफ दवाना है तो अगर वह हाँ वीडियो वेख रहा है तो वह भी जरूर मीडिया ने कॉन्टैक्ट करें तो इंशाला जिन्हें करप्ट अफसर ने इन्हें सारे का जोड़ा ना हिसाब होएगा अगों जिंदगी दे विच कोई भी करप्ट अफसर जोड़ा बदतमीज तबका जोड़ा ना वो एक बार पाकिस्तानी आवाम के किसी भी शहरी के नाल गल कर तो 100 वारी पहले सोचेगा फिर उस तो बाद गल करेगा जे तुसी अपनी लाइफ का खुद स्टैंड नहीं लै सकते तो लिहाजा अपनी इज्जत नहीं बचा सकते तो मेहरबानी करके साड़ी वीडियो वेखो तो अपने अंदर शौक पैदा करो अपने अंदर हिम्मत लियाओ कुछ नहीं होंगे कोई थानू नहीं मार दिता इतने कोई नहीं मारता जे मर भी जाओगे तो अपनी इज्जत की खातर ही मरोगे तो अल्लाह खैर करे अपनी इज्जत कायम रखो जे सियालकोट एयरपोर्ट के उत्ते हूँ असी जो कपड़े लाने लग पई अपने मुल्क ही कपड़े लाने लग पई है अगह जाने लिए तो फिर लानत साड़ी जिंदगी उत्ते सानू डुब के मर जाना चाहिए यहोजे तबके उत्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होया कमेंटा मैं रीड किया फस्ट पार्ट के उत्ते तो मेरी गल सुनो अगर थोड़ी फैमिली के नाल हो तो फिर करप्ट अफसरान के कोई रिश्तेदार या कोई रैलेटिव हो जरा राम खाना गिजे हो तो इन गल कर रहे हो मैं एक इंसाफ पसंद बंदा तो मैं हर किसी को इज्जत देने वाला बंदा मैं छोटे तो लैके व्डे तक इज्जत दिना मैं बहुत कामयाब ऑफिसर देखे ने जोड़े माशाला बड़े ईमानदार बड़े नेक तो सुलझे हुए हैं तो यकीन मनो दिल करता उन्होंने बंदा हाथ चुम लगे लेकिन जोड़े करप्ट ने रिश्वतखोर तो बदमाश
उन्होंने असं इंशाला सबक जरूर सिखावे लेकिन कानूनी तरीके असी को बदमाश लोग नहीं है असं शरीफ इंसान हाँ तो अं हर मसले का हल जो कानूनी तरीके ही करने लेकिन जो कल मेरे वाकया आया।